तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का न्यू एपिसोड शुरू होता है कि हमें जो एक बंदे का दिखाया जाता है, और ये बंदे का नाम जो है ई सिंह है, जो कि एक एंशियंट गॉड है। तभी वो जो है येचिन और बाकी सबको देख के बोलता है कि अगर ये डेस्टिनी ही है तो हम लोग को मुलाकात करना जरूरी है, और उन लोग की तरफ अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि तभी वो और येचिन जो है एक इंटायरली डिफरेंट फिलेस में आ गया था। तो तभी उस बंदे को देख कर येचिन बोलता है कि चेस किंग ई सिंह, आप यहाँ पर। तो ये बात सुनकर ई सिंह बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि इतने सालों के बाद भी कोई बंदा मुझे याद रखेगा। तभी यह बात सुनकर येचिन बोलता है कि जिस बंदे को चेस बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आपके बारे में कैसे बुला सकता है। और पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या आप पता नहीं है कि उस लड़की ने क्या किया है, तब भी आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो येचिन का ये सब बात सुनकर ई सिंह बोलता है कि अगर तुम्हें चेस पसंद ही है तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम लोग भी चेस खेलते हैं। ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि हाँ, ये अच्छा विचार है इस मैटर को सेटल डाउन करने का, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जीतने वाले को क्या मिलेगा, हारने वाले को क्या मिलेगा। ये बात सुनकर ई सिंह बोलता है कि ये चीज़ तुम्हें डिसाइड करो। तो येचिन बोलता है कि देखो कि अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ तो मैं जो 100 साल तक इस जगह कदम भी नहीं रखूँगा। और बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ तो आप मुझे यहाँ पर जाने देंगे और आप जो इस चीज़ से बाहर रहेंगे। ये बात सुनकर ई सिंह बोलता है कि ठीक है, इस चीज़ को मैं तैयार हूँ। लेकिन वो बोलता है कि तुम मुझसे कैसे जीतोगे, क्योंकि इन सालों में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिससे मैं एक मैच भी हारा हूँ। तेवासुन के येचिन बोलता है कि आप गलत हैं। बोलता है कि मैं जो है 600 साल से एक बंदे के साथ चेस खेल रहा हूँ। अब बोलता है कि मैंने जो उसके साथ बहुत ज़्यादा इन लाखों करोड़ों मैच खेला है, लेकिन अफसोस मैं उससे बस एक मैच जीत पाया हूँ। तेवासुन कर वो बंदा भी हैरान होने लगता है। तेवासुन कर ई सिंह बोलता है कि क्या तुम उसे झूठ बोल रहे हो, आखिर में ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो येचिन बोलता है कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब बोलता है कि आपको पता है कि जितना मैच मैं उसके साथ खेलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग दोनों का जो गैप है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगता है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। अब बोलता है कि चिंता मत कीजिए, ये मैच ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तेवा सुनकर ई सिंह उसके पास आते हुए बोलता है कि ठीक है, चलो मैच शुरू करते हैं। और फिर तभी तो हम देखते हैं कि बंदा ने जो है अपना चाल चल दिया था। तो ये चीज भी वहाँ से थोड़ा सा दूर आ जाता है, बोलता है कि अब मज़ा आएगा। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग दोनों का बीच में जो है मैच शुरू हो गया था। तो जहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि येचिन तो बहुत ज़्यादा आराम से रिलैक्स होकर उस गेम को खेल रहा था, लेकिन हाँ, जो ई सिंह था वो बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई पड़ रहा था। और येचिन को इस तरह से खेलता हुआ देखकर अपने में बोलता है कि ये बंदा का हर चाल वाकई में बहुत ज़्यादा अजीब है, और ये किसी रूल को फॉलो भी नहीं कर रहा है, ये अपना मर्जी से चल रहा है, लेकिन हाँ, इसका हर चाल बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है उस येचिन से कि आखिर में तुम्हारे पास ये चेस का टेक्निक कहाँ से आए। ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि चिंता मत कीजिए, ये मैच ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं उस बंदे से आपको मिला दूंगा और वो आपके साथ दिन भर चेस खेलेगा, कि मैं उसको बोलूंगा कि वो आपका चेस खेलने में इम्प्रूवमेंट ला दे। ये बात सुनकर ई सिंह बोलता है कि तुम्हारा माउथ तो वाकई में बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तुम बहुत ज़्यादा ही फेंक रहे हो। तो तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में फिर से चालू हो जाता है चेस मैच, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो येचिन था वो अभी भी उसी प्रकार से जैसे तैसे चल रहा था। तभी हम देखते हैं कि येचिन जो अपना फाइनल चाल चलता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी व्हाइट गोटी थे वो सब ग्लो करने लगते हैं। तो ये बात देखकर हम देखते हैं कि ई सिंह भी बोलता है कि ठीक है, मैं हार मानता हूँ। तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि आपके हिसाब से आप कभी भी नहीं हारे थे, लेकिन आज मैंने आपको हरा दिया। तो इससे यह साफ हो जाता है कि हर चीज़ को चेंज करना जरूरी है, और उसी प्रकार जो विंड एंड स्नो किंगडम है उसका भी न्यू ओनर को आना जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि येचिन का ये सब बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं तुमको वाकई में एडमायर करने लगा हूँ। अब बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रखता हूँ। अब बोलता है कि लेकिन उससे पहले, अब बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम जब जाओगे उससे पहले तुम मेरा उसके साथ मुलाकात करवा दोगे, जिस बंदे ने तुम्हारे साथ चेस खेला है। तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि ऑफकोर्स मैं आपसे उसका मुलाकात करवा दूँगा, और वहाँ से चला जाता है। जहाँ हम ओवरवर्ल्ड पर्सन देखते हैं, जहाँ पर येचिन आगे जा रहा था, तभी मिस या उससे पूछती है कि आपने जो है वर्ल्ड के नंबर वन चेस मास्टर को कैसे हरा दिया, क्योंकि अभी तक आपका चेस उतना भी बेहतरीन नहीं है और आप अभी तक चेस मास्टर नहीं बने हो। टेवा सुनकर येचिन हंसते हुए आगे जाने लगता है। अब बोलता है कि हर चीज़ सभी को नहीं बताया जाता है। तो ये बात सुनकर टेनिस याओ भी उससे गुस्सा होने लगती है, बोलती है कि मत बताओ। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर ई सिंह जो है बोल रहा था कि आखिर में कोई बंदा इस चीज़ के अंदर कैसे हो सकता है, और यहाँ पर वो जो है एक टैबलेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो जो बैठ के उस टैबलेट के अंदर गेम खेलने लगता है, और जैसे ही वो अपना चाल चलता है सामने वाला, यानी कि वो टैबलेट जो है अपना चाल चल देता है। तो ये चीज़ देखकर
रीसिंग भी बहुत ज़्यादा हैरान था। अब बोलता है कि वाकई में इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ हमारा ऑफिशियल एपिसोड 57 यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है।